अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में आज इंतखाब हुआ वजीर आला पंजाब का। आगे बढ़े, अब आपको खबर दें कि पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में बच्चों के गुर्दों की पेवंदकारी का आगाज हो गया। साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले 10 साल इमरान का किडनी ट्रांसप्लांट, वालिद ने बेटे को गुर्दा अतिया किया। आपको बताएं कि गुर्दा अतिया किया गया है, वालिद की जानिब से आगाज कर दिया गया है पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट का, और साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले 10 साल बच्चे का पेवंदकारी की गई है गुर्दे की, जबकि उसके वालिद ने बेटे को अपना गुर्दा अतिया किया है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी से। जी बिलाल, पिछले लाई में जो है वो बच्चों की किडनी की पेवंदकारी का भी आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से आज पाकिस्तान किडनी और लीवर इंस्टीट्यूट में किडनी की जो है वो पेवंदकारी भी की गई, जिसमें जो है वो एक छोटा बच्चा था जिसकी जो है वो पेवंदकारी की गई। सही बात से तल्लु रखने वाले किसी की माँ के 10 साल इमरान का किडनी ट्रांसप्लांट किया। इमरान के वालिद ने सबसे छोटे बेटे को गुर्दे का अतिया दिया। बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन होता है, जिसमें कामयाब ऑपरेशन में प्रोफेसर अख्तर की सरबराही में हुआ। टीम में दिगर माहिर सर्जन भी शामिल थे। इस हवाले से पी के एल ए के माहिर सर्जन और बैनक में तनीम का स्टाफ ऐसी पेचीदा सर्जरी के लिए मुकम्मल तौर पर तबीयत याफ्ता है। इमरान उसके वालिद अब तेजी से सेहतियाब हो रहे हैं। ऑपरेशन से पहले इमरान ने अस्पताल में आजादी का जश्न भी मनाया। पी के एल ए में अस्पताल के आगाज से अब तक तकरीबन 500 मेजर माइनर सर्जरीज भी की जा चुकी है। पी के एल ए की कैंप का मकसद जो है वो अवलिन जो गरीब आवाम उनको गैर मौजूद सोजा साफ करना है। जी, गुर्दों की पेवंदकारी का ये पहला ऑपरेशन था जो कि कामयाब हो चुका है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी।